Assalamu alaikum 3 class, how are you? Today is our 19th online lecture of New Active English. Let's start our lesson. Now open your books and go to the page number 19. Page number 19. In our previous lectures, we have learned about the past indefinite tense, means simple past tense. If we use did in a question, then you have to use second form of verb in your answer. If we ask you a question with the helping verb did, then you have to use second form of verb in a answer in a positive sentence. अगर question में did का इस्तेमाल किया जाता है तो आपने answer में second form of verb इस्तेमाल करनी है, और अगर negative में आपने answer देना है तो आप did not लगाएंगे और did के साथ first form of verb लगाएंगे. Okay? जैसे मैं आपसे question पूछती हूँ, what did you eat yesterday? आपने कल क्या खाया? I am using helping verb did in a question. और ये गुजरे हुए कल की बात हो रही है, तो आप मुझे क्या जवाब देंगे? I ate rice yesterday. I ate fish yesterday. Where did you go yesterday? आप कल कहाँ गए थे? I went to zoo yesterday. I went to zoo yesterday. Did you go to zoo yesterday? अगर आप गए थे तो पॉजिटिव में आंसर देंगे yes. I went to zoo yesterday. और अगर आप कल नहीं गए थे तो आप क्या कहेंगे? No, I did not go to zoo. No, I did not go to zoo yesterday. I went to my grandmother's house yesterday. Now, look here, the question number one. Did you have apples for the breakfast this morning? This morning मतलब आज सुबह की बात है, ये भी गुजरा हुआ वक्त है. क्या आज आपने सुबह ब्रेकफास्ट में एप्पल खाए थे? अगर खाए थे तो आप कहें यस आई डिड, यस आई डिड, यस आई एट. अगर नहीं खाए तो नो आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं खाए. आई हैड राइस, मैंने चावल खाए थे. लुक एट द क्वेश्चन नंबर टू. डिड यू कम टू स्कूल बाय बस टुडे? क्या आज आप स्कूल बस से आए हो? यस आई डिड. पॉजिटिव में आंसर यस आई डिड और नो आई डिड नॉट. I came by Tonga. फिर आपने complete reason बता देना है. पहले आपने short answer देना है और उसके बाद आपने full form में answer दे देना है. अब हम अगला question देखते हैं. Did you get to school at 7 o'clock this morning? क्या आज सुबह आप 7 बजे school गए थे? अगर गए थे तो आप बोलोगे yes, I did. और अगर नहीं तो आप क्या बोलोगे? No, I did not. No, I did not. I get की second form क्या use होगी? Got. I go to school at 7:30 this morning. I go to school 7:30 this morning. Now look at the next question. Did you sit at the back of the class yesterday? क्या कल आप क्लास में सबसे पीछे बैठे थे? अगर आप पीछे बैठे थे तो आप कहोगे yes, yes I did. और अगर नहीं तो फिर क्या बोलेंगे आप? No, I did not. No, I did not. I sat at the front of the class yesterday. I sat at the front of the class yesterday. Now look at the next question. Did you sit at the front of the class yesterday? क्या कल क्लास में आप सबसे आगे बैठे थे? पॉजिटिव आंसर देंगे आप यस आई डिड. और अगर नहीं तो आप क्या कहोगे? नो आई डिड नॉट. फिर साथ आप बता भी दोगे कि आप कहाँ बैठे थे. आई सैट एट द बैक ऑफ द क्लास यस्टरडे. आई सैट एट द बैक ऑफ द क्लास यस्टरडे. डिड यू राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड यस्टरडे? क्या कल आपने ब्लैक बोर्ड पर लिखा था? यस आई डिड. पॉजिटिव आंसर यस आई डिड. और नेगेटिव आंसर नो आई डिड नॉट. आई रोट ऑन द नोटबुक यस्टरडे. मैंने कल नोटबुक पर लिखा था. मैं आपको ये दोनों तरह से आंसर देने की प्रैक्टिस करवा रही हूँ, पॉजिटिव में भी और नेगेटिव में भी. नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. डिड यू गो इन टू द प्ले ग्राउंड यस्टरडे? क्या कल आप प्ले ग्राउंड में गए थे? अगर गए थे तो बोल देंगे यस आई डिड. और अगर नहीं गए तो आप क्या बोलोगे? नो आई डिड नॉट. आई गो टू, अब फिर जहाँ भी गए थे, आई गो टू जू यस्टरडे. सॉरी आई वेंट, सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे. आई वेंट टू zoo yesterday.
नाउ लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिड यू ईट एन एप्पल लास्ट नाइट, क्या आपने कल रात एप्पल खाया था? यस आई डिड, यस आई डिड, नो आई डिड नॉट, अगर नहीं खाया तो आप बोलोगे नो आई डिड नॉट, जो खाया था वो बता दो, आई हैड मैंगो लास्ट नाइट, ठीक है, आई एट भी बोल सकते हो, आई एट मैंगो लास्ट नाइट, मैंने कल रात मैंगो खाया था। डिड यू सी अ कैट इन योर डेस्क यस्टरडे? नो आई डिड नॉट, नहीं मैंने नहीं देखी। आई सा अ, डेस्क के नीचे क्या देखोगे, आई सा अ बर्ड कह लें, कुछ चले बर्ड कह लें, आई सा अ बैग, आई सा, इसका नेगेटिव में ही जाएगा, नो आई डिड नॉट। और अगर पॉजिटिव में दोगे तो डेस्क के अंदर बुक होती है, ठीक है, तो आप बोल दोगे आई सा अ बुक इन माई डेस्क यस्टरडे। अगर तो आपने कल बिल्ली देखी है तो पॉजिटिव में आंसर दोगे यस आई डिड, और अगर नहीं देखी नो आई डिड नॉट, आई सा अ बुक इन माई डेस्क यस्टरडे। डिड यू बाय एन एरोप्लेन लास्ट वीक, क्या आपने पिछले हफ्ते एरोप्लेन खरीदा था? यस आई डिड, और नो आई डिड नॉट, आई बोट, बाई की सेकेंड फॉर्म बोट, आई बोट अ कार लास्ट वीक। होप सो इतना आपको समझ आ गया होगा, लेकिन आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फिनिश दीज सेंटेंसेस, नाउ वी हैव टू फिनिश दीज सेंटेंसेस। यस्टरडे आई वोर अ येलो शर्ट, लास्ट नाइट आई एट राइस, लास्ट वीक आई बोट अ कार, यस्टरडे आई वेंट टू माई ग्रैंड मदर्स हाउस, दिस मॉर्निंग आई केम टू स्कूल बाय बस ऑन फुट, लास्ट नाइट आई सॉ अ हॉरिबल ड्रीम, यस्टरडे आई क्लीन्ड माई क्लासरूम, यस्टरडे आई क्लीन्ड माई रूम, यस्टरडे आई क्लीन्ड माई हाउस, लास्ट ईयर आई हैड एन एरोप्लेन, लास्ट लेसन आई रोट ऑन माई नोटबुक, यस्टरडे द टीचर ड्रू अ फिश ऑन द बोर्ड। ये सेंटेंसेस आप कुछ भी, आप अपने पास से कुछ भी लगाकर मुकम्मल कर सकते हो। अब लाजमी नहीं है अगर मैंने यहाँ बोला यस्टरडे आई वोर अ ग्रीन शर्ट तो आपको यही बोलना है, आप कह सकते थे यस्टरडे आई वोर अ येलो शर्ट, यस्टरडे आई वोर अ पिंक फ्रॉक, कुछ भी कह सकते हैं आप। यू हैव टू कम्प्लीट सेंटेंसेज इन योर ओन सेंस। नाउ यू हैव टू लर्न दीज फॉर्म ऑफ वर्ब्स। गो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब वेंट, वियर, वोर, कम, केम, स्टैंड, स्टूड, ईट, एट, ड्रॉ, ड्रू, गेट, गोट, से, सेट, सी, सा, सिट, सैट, राइट, रोट, बाय, बोट। ये मैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको याद करवा चुकी हूँ। नाउ रीड अलाउड ईडी, ये वर्ड्स ईडी पर खत्म हो रहे हैं लेकिन इनका साउंड जो है वो ट निकलेगा, ठीक है। वॉक्ड, लुक्ड, नॉक्ड, थैंक्ड, यहाँ ये ईडी पर खत्म हो रहे हैं लेकिन इनका साउंड ड निकलेगा, ड। स्माइल्ड, ओपन्ड, क्लोज्ड, क्लीन्ड, ईडी, आईडी, इज, पॉइंटेड, पॉइंटेड। होप सो आज का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज़।